हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फिरोज़ मंसूरी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से बॉलीवुड सॉन्ग को अपनी खुद की आवाज़ में बना सकते हैं और वो भी सिर्फ मोबाइल फ़ोन से। जी हां दोस्तों, आप खुद की आवाज़ में एक बॉलीवुड सॉन्ग बना सकते हैं और वो भी सिर्फ मोबाइल डिवाइस को यूज़ करके। आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, अगर आपको इस बारे में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो बनाता रहूं और अपलोड करता रहूं। तो उसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। वो प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर सिंपली सर्च करना है सिंगर जोन बॉलीवुड कराओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर सिंगर जोन बॉलीवुड कराओके आ गया है। इसका ऐसा रेड कलर का जो है माइक बना हुआ है, 100,000 लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है और 3.7 की इसकी रेटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो आपको इस ऐप को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको ये ऐप ढूंढने पर प्ले स्टोर में नहीं मिलता है तो इस ऐप की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन से इस लिंक को फॉलो करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंस्टॉल होने के बाद आपकी स्क्रीन पर कैसा दिखेगा और ये काम कैसे करता है। स्क्रीन पर आ चुके हैं दोस्तों, तो कुछ इस तरह का आपको ये ऐप दिखेगा, जिसके ऊपर जो है माइक का निशान मंडा हुआ है, माइक मंडा हुआ है रेड कलर का, और इसके नीचे लिखा है सिंगर जोन कराओके। तो चलिए हम सिंपली इसको ओपन करके देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको माइक रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन दिखा देता हूँ कि माइक रिकॉर्डिंग में क्या है। तो ये जो है फ्री ऐप है, तो आपको कुछ ऐप्स का सामना करना पड़ेगा, कुछ एड्स आएंगे उनको आप हटा दीजिए। तो देखिए, जो मैंने यहाँ पर गाने पहले से बना रखे हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने बोल दो ना ज़रा और बदतमीज़ दिल, ये दो गाने पहले से बनाए हुए हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं सॉन्ग रिक्वेस्ट पर। तो आप सॉन्ग रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो जो सॉन्ग इसमें अवेलेबल नहीं है या आप अपनी स्पेशल फरमाइश के हिसाब से कोई सॉन्ग चाहते हैं कि आपको उसका कराओके चाहिए, आप उसके ऊपर गाना गाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं, तो आपको ये सॉन्ग मिल जाएगा। तो सिंपली हम चलते हैं कि हम अब अपनी वॉइस कैसे रिकॉर्ड करें, कैसे म्यूज़िक आएगा, क्या होगा। तो आपको यहाँ पर एक माइक का ऑप्शन दिख रहा है और उसके ऊपर कराओके लिखा है, तो आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको बहुत सारे सॉन्ग दिख जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे सॉन्ग है, आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं जो सॉन्ग आपको चाहिए। तो इनमें से आप जो भी सॉन्ग सिलेक्ट करेंगे, उस सॉन्ग को सिलेक्ट करके आपको सिर्फ उस सॉन्ग का म्यूज़िक मिलेगा और आप उसके ऊपर गाना गा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप ये सब कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई एक सॉन्ग सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, मैंने यहाँ पर एक सॉन्ग सिलेक्ट कर लिया है, जो सॉन्ग हनी सिंह ने गाया है, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा जो आपको गाना है, और जब से ये गाना आपको स्टार्ट करना है, ये जो येलो कलर में लिखे हुए हैं ये सब रेड होते जाएंगे। तो जहाँ पर आपको रेड दिखाई दे वो आपको गाना स्टार्ट करना है। तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रिकॉर्डिंग का बटन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी, और जैसी चालू होगी तो आपको पहले तो आपको ये म्यूज़िक सुनाई देगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए, आप ये वर्ड जो है लाल होते जा रहे हैं, मतलब जो वर्ड लाल हो जाएगा वो आपको गाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हर पल मेरी आई यादा यादा विच ए तू, दिल दी गल में दस्सा ते दस्सा फिर किन्नू। तो इस टाइप से आपको ये गाना गाना है और पीछे म्यूज़िक चलेगा। तो मैं अभी आपको दोस्तों गाना गाकर नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। आप अपने खुद से ट्राई कीजिए, अच्छा बेस्ट सॉन्ग बनाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और आप खुद भी उसको शेव करके अपनी म्यूज़िक लाइब्रेरी में रख सकते हैं और उसको जब जब चाहें सुन सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग का, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना ज़रूरी है। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो बनाता रहूं और अपलोड करता रहूं।